तो जैसे सुनील कुशवाहा और एमपी पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग वीडियो है, तो सबसे पहले कि अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए हैं, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसका रीजन ये है, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि पंचायती चुनाव का पेज फंसा हुआ है। अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो कि पंचायती चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है एडमिट कार्ड भी आएंगे कि नहीं आएंगे ये डिपेंड करेगा पंचायती चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और जल्दी उसका फैसला आने वाला है 1-2 दिन में। और देखिए यदि आपके जो एडमिट कार्ड हैं 28 तक नहीं आते हैं तो फिर मेरे हिसाब से नहीं है, मतलब ये 4 दिन आपके पास ऐसे हैं जब आपका एडमिट कार्ड आने के चांस है, अगर 4 दिन में आपके एडमिट कार्ड नहीं आते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आपका एग्ज़ाम तय टाइम पर हो। तो दोस्तों ये न्यूज़, क्योंकि कल ही ये कोर्ट में गए हैं सरकार, सुप्रीम कोर्ट गई है कल सरकार, तो अभी फाइनल डिसीजन भी नहीं हो पाया है कि चुनाव कब फाइनल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये फाइनल डिसीजन यदि नहीं होते तो 1% आपका एग्ज़ाम टाइम पर होगा, और यदि होते हैं तो हो सकता है कि चेंज हो जाए डेट, लेकिन चांस अभी भी ज़्यादा है कि एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा। तो आपके एडमिट कार्ड अगले 2 या 3 दिन में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, यदि एग्ज़ाम होना होगी तो, नहीं होना होगी तो नहीं आएंगे। तो दोस्तों वेट करिए 3 दिन का और का, आज है 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक आप वेट करिएगा, 4 दिन और वेट करिएगा एडमिट कार्ड का, आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो भी अच्छी बात है, हमारी तैयारी तो रहेगी, हमें तो नौकरी चाहिए, चाहे भी एग्ज़ाम हो या बाद में हो, हमें तो नौकरी चाहिए, तो हम तो लगातार तैयारी करेंगे। और आप भी तैयारी करते रहिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ होगी, जो भी मैं होगी मैं आपको बता दूंगा। तो एडमिट कार्ड जल्दी दोस्तों आएंगे, यदि एग्ज़ाम टाइम पर होगा तो, और नहीं होगा तो दोस्तों अभी जो भी न्यूज़ है मैं आपको अपडेट चैनल पर बता ही दूंगा। तो दोस्तों टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।